वेलकम फ्रेंड्स, मैं फैज आज लेके आया हूँ आपके लिए पेट्रोल डीजल एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। जी हाँ फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करेंगे आपसे, यदि आप एक पेट्रोल या डीजल का बिजनेस करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें तब आती होंगी जब आपके बहुत सारे कस्टमर ऐसे हों जिसकी मल्टीपल गाड़ियाँ हों और वो आपके पास से पेट्रोल या डीजल आपके पास से रोज़ लेके जाते हैं या फिर मैं बोलूँ वीकली लेके भी जाते हैं। तो फ्रेंड, इनका आप टैली में किस तरह से आप इसे मेंटेन करोगे, चाहे वो आपके लिए वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली, ईयरली प्लान हो। ज़्यादातर प्लान फ्रेंड यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम टैली में किस तरह से मेंटेन करेंगे और टैली फिर हमें क्या रिपोर्ट देगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे टैली पे और ऑलरेडी मैंने आपके लिए यहाँ पे कंपनी बना रखी है जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको स्टॉक भी दिखा देता हूँ, हमारे पास अभी कोई भी स्टॉक नहीं है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे पहले स्टॉक लेने के लिए हम परचेस कर लेते हैं जैसे नॉर्मल हम परचेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक परचेस गारंटी पास कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक पार्टी का लेजर भी बना लेता हूँ यहाँ पे। और जी मैं यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नाम से एक लेजर बना ले रहा हूँ और यहाँ से मैं कुछ पेट्रोल मैं यहाँ से परचेस कर लेता हूँ नॉर्मल। मैं इसे एक नॉर्मल परचेस कर लेता हूँ और परचेस अंडर लेजर परचेस अकाउंट ही होगा जैसा कि आप लोगों को पता है। तो मैं यहाँ पे परचेस अकाउंट में रख लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक लेजर आइटम जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल और डीजल बनाया है। तो मैं यहाँ पे पेट्रोल ले ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 10,000 लीटर पेट्रोल मैं यहाँ पे परचेस कर ले रहा हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम से और इसे मैं नॉर्मल इसे सेव कर लेता हूँ जी। अब फ्रेंड ये हमारे स्टॉक में आ गया, चलिए मैं स्टॉक भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा स्टॉक में भी आ गया है हमारा। और फ्रेंड हम चाहते हैं कि इसे अब मैं सेल करूं। तो सेल करने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ पे जो मंथली जो गाड़ियाँ होती हैं जिनकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसका आप प्लान वीकली या फिर क्वार्टरली हो, तो फ्रेंड इसके लिए आप एक बार इन्वेंट्री वाउचर में आए। और मैंने यहाँ पे एक बनाया है डिलीवरी नोट जो के अंदर मैंने यहाँ पे वाउचर क्रिएट रखा है स्लिप, जिनका आप स्लिप पेमेंट स्लिप सडनली देते हैं उन्हें जो भी आपका गाड़ी यहाँ पे अगर आपका मंथली या वीकली लेके जाता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको व्हीकल नंबर मिलेगा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती है जिनका आपका व्हीकल नंबर आपको मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कि आपको देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक पार्टी बनाया है जैसे कृष्णा एंटरप्राइजेस बोल के हमारा एक कस्टमर है, वो उनकी बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी आती है जिनकी मल्टीपल गाड़ियाँ हैं और हमें उन गाड़ियों में बार बार उनको पेट्रोल या डीजल देना होता है। तो फ्रेंड हम यहाँ पे उसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन करना है और हम यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर सकते हैं। और फ्रेंड आपको यहाँ पे मिलेगा लिस्ट ऑफ व्हीकल। तो फ्रेंड आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ व्हीकल वाला ऑप्शन पे यस करें ताकि हम यहाँ पे उस कंपनियों की सारी गाड़ियों की लिस्ट हम यहाँ पे तैयार कर दें, ताकि सारी गाड़ियों के नंबर आप यहाँ पे लिस्ट तैयार कर देंगे ताकि मुझे ये डिफ़ाइन करने में आसानी हो जाए कि इन कंपनी के कितने बहुत जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियां का डिटेल हम इसके लेजर के अंदर मेंटेन कर देंगे। और यहां पे प्लान ऑफ फ्रीक्वेंसी आप यहां पे सेव कर सकते हैं, चाहे वो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जैसे मैंने आपको बताया। आप यहां पे इसे सेव करते हुए इसे यस कर दें। मैं इसे लेजर को यहाँ पे सेव कर देता हूँ ताकि मुझे पार्टी के अंदर ये डिफाइन मैं पहले से कर दूँ कि इन पार्टियों की बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी है जो इन कंपनी के नाम इन कंपनी से बिलोंग करती है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लिमिट हैं यहाँ पे, उनके लिमिट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लिमिट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं यहाँ पे कुछ पेट्रोल मैं यहाँ पे सेल करता हूँ नॉर्मल। आप यहाँ पे एक नॉर्मल जब भी आपके पास गाड़ियाँ आपके पास आएंगी और जब उसे आप बिल देंगे तो फ्रेंड आप यहाँ पे स्लिप ही जनरेट करके देंगे। एक्चुअल बिल तब देते हैं जब उनके सारे बिल कॉन्सलेटेड तैयार हो जाते होंगे या मंथली या फिर वीकली उन्हें पेमेंट करना होता है, तब हम उसे बिल इशू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जनरली यहाँ पे हम इसे यहाँ पे मैं यहाँ पे पेट्रोल इसे दे रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट नॉर्मल एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ एंट्रियाँ और भी पास कर लेते हैं इनके। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियाँ के नंबर है ऑलरेडी हमने लेजर के अंदर डिफाइन करके रखा है। आप आसानी के साथ यहाँ पे लेजर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि कौन कौन सी गाड़ियाँ के अंदर में कौन कौन से कितने कितने लीटर तेल यहाँ पे लिए जा रहे हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ में। इतना याद रखना तो खैर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लेजर पे इस सिस्टम पे हमने ये सिस्टम बनाया ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो जाए। आप यहाँ पे गाड़ियाँ का नंबर देखते के साथ में उसे पार्टी की एंट्रियाँ पास कर सकते हो और काफ़ी आसान ये हो जाता है फ्रेंड आपको कि आप उन पार्टियों के गाड़ी एक बार कॉन्सलेटेड आप यहाँ पे लेजर के अंदर मेंटेन कर देंगे तो आपको बार बार आपको याद रखनी नहीं होगी
कि मैं यहाँ पे एक रेट को चेंज कर लेता हूँ। इस बार हमारा रेट 85 रुपीज़ के हिसाब से, अगर आपका रेट फ्लैक्चुएट करता है तो आप यहाँ पे रेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका सारा का सारा बिल हम यहाँ पे तैयार करेंगे। हम लास्ट में आपको दिखाएंगे कि एक साथ सारे रिपोर्ट किस तरह से हमारे आएंगे, जितने भी अभी आपके यहाँ पे मंथली, जितने मंथ के अंदर में जितने बार उन्होंने तेल लिया है यहाँ पर, वो सारे के सारे पेट्रोल डीजल की लिस्टिंग जो भी होगी इस गाड़ी की, यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मिलेगा। तो चलिए हम आपको डेबुक में भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्लिप यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं इस मंथ के। और फ्रेंड ये सारे स्लिप का अब मुझे फाइनल उन्हें बिल देना है और उनसे पेमेंट कलेक्ट करना है मुझे। तो फ्रेंड ये सारे बिल को हम टैली में किस तरह से पोस्टिंग करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए फ्रेंड हमने बनाया है आपके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, तो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम टैली में एक एंट्री पास करेंगे। तो फ्रेंड ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर और ये सॉफ्टवेयर हमें कॉन्सिलेटेड बिल पास करके देगा। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसे मैं यहाँ पे टैली के साथ ओपन करता हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर हमें पूरा कॉन्सिलेटेड बिल बना के मुझे देगा। तो अब यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे 1 अप्रैल से आपकी एक मंथ की पूरी डिटेल दे। तो कंपनी नेम भी आप देख सकते हैं, हमारा कंपनी नेम यहाँ पे आ चुका है। तो कंपनी नेम यहाँ से मैं ले लेता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड आपको वाउचर टैब, तो मुझे वाउचर टैब किस में जाके हमारी वाउचर पोस्टिंग हुई, तो मैं ये चाहता हूँ ये हमारा कंप्लीट एक बिल बने। तो मैंने बिल के नाम से वाउचर बनाया है, तो मैं चाहता हूँ सारे एंट्री बिल बोल के जो हमारा वाउचर है उसके अंदर ये एंट्री आप पोस्ट करो। तो मैं यहाँ पर बिल ले लिया और फ्रेंड मुझे यहाँ पर पोस्ट करना है वाउचर। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे पोस्ट वाउचर पे क्लिक करें और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे सारी एंट्रियाँ यहाँ पे टैली पे आ चुकी है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे डन करके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सारी एंट्रियाँ यहाँ पे सही आई या नहीं। तो यहाँ से प्रेस ओके करेंगे और ओके करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे, मैं कट कर लेता हूँ और चलता हूँ टैली पे जाके देखता हूँ कि वो सारी एंट्री हमारे टैली में आई या नहीं आई। तो मैं यहाँ से स्टेटस में चल के यहाँ पे देख रही है हमारा बिल का यहाँ पे वाउचर आ चुका है और इसे मैं ओपन करके यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कि वो सारी एंट्रियाँ आई कि नहीं आई, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे स्लिप ऐसे काटी है बहुत सारे गाड़ियाँ की जो मुझे याद नहीं है। तो फ्रेंड वो सारी रिकॉर्ड आपको टैली यहाँ पे पोस्टिंग करके आसानी से दे देगा। चलिए मैं इसे ओपन करके देखते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कृष्णा इंटरप्राइजेस के काफ़ी सुंदर रिपोर्ट यहाँ पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको यहाँ पे इस पार्टी का नाम आ रहा है फ्रेंड, और ये सारी डिटेल जो आपकी ये मंथली रिपोर्ट आपको यहाँ पे तैयार करके दे रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे 1/4 से लेकर पूरी रिपोर्ट है आपकी ये सेल्स की पहुँच है और कौन कौन से डेट में आपका यहाँ पे बिलिंग हुआ है और कितनी सारी गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ आपकी ली गई है कौन कौन से डेट में, वो सारी डेट के साथ प्लस आपको यहाँ पे स्लिप नंबर, क्वान्टिटी और रेट भी आपको मिलता है और टोटल रेट के साथ एक कॉन्सोलिडेटेड, मतलब आप, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एक कंप्लीट बिलिंग आप उसे दे सकते हैं। यहाँ पे सारी रिकॉर्ड आसानी से मिल सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंट भी आपको कस्टमाइज देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी आसानी से आप इसे देख के समझा जा सकता है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को आसानी से मिल जाएगी और इसे टैली में आप आसानी से एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। ये था हमारा फ्रेंड पेट्रोल एंड डीजल के लिए कस्टमाइजेशन। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा जानने और सीखने को मिला हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।